वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। तो आज हम जा रहे हैं मनाली और मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप मनाली घूमें कम से कम खर्चे में मनाली घूमने के लिए। तो मैं जा रहा हूं मनाली और आपको भी बताऊंगा किस तरह से कम खर्चे में मनाली घूम सकते हैं। तो चलते हैं फिर। मैं अपने घर से चला बैग लेकर। मैंने रामपुर में रोडवेज पकड़ी, मुरादाबाद पार किया, गढ़गंगा पार किया, हापुड़ पार किया, गाजियाबाद पार किया और मैं पहुंच गया आनंद विहार टर्मिनल बस स्टैंड पर, जो कि दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा बस स्टैंड है। और उसके बाद हम निकले, मेट्रो पकड़ी हमने और पहुंच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन शाम के 7:30 बजे। मैंने कुछ टाइम विश्राम किया। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमें दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता है और चंडीगढ़ से ही हमें मनाली के लिए बस मिलती है। तो मैंने अपनी ट्रेन चेक की कि चंडीगढ़ के लिए कोई ट्रेन है, लेकिन चंडीगढ़ के लिए कोई भी ट्रेन नहीं थी। फिर मैंने अम्बाला कैंट के लिए ट्रेन ली, क्योंकि अम्बाला कैंट चंडीगढ़ के पास में पड़ता है। तो मैंने चंडीगढ़ के लिए ट्रेन ना लेकर अम्बाला कैंट के लिए ट्रेन ली और मैं रात के 2 बजे अम्बाला कैंट पहुंच गया। फिर मैंने अम्बाला कैंट से रोडवेज पकड़ी रात के 2 बजे ही और मैं चंडीगढ़ रात के 3 बजे पहुंच गया। अब मुझे जाना था मनाली। मैं सोच रहा था कि सुबह ही निकले, फिर मैंने सोचा देखते हैं। गाइस फिलहाल चंडीगढ़ के बस स्टैंड पर हम आ चुके हैं और ये है पीछे चंडीगढ़ का बस स्टैंड है। मैं और मेरे भाई और मेरे दोस्त, हम 3 लोग आए हैं और यहाँ से हम मनाली के लिए बस पकड़ेंगे, जो कि शायद मिलने की चांस है क्योंकि रात के 1:30 बजे। तो देखते हैं कोशिश करें ना, तो फिर सुबह निकलेंगे। तो देखते हैं, फिर चलते हैं जल्दी से। रात के 3 बजे बस चलने के बाद 5-6 घंटे सफ़र करने के बाद जब मेरी आँख खुली 7:30 बजे, मैंने देखा तो बस पहाड़ों में चल रही थी और पहाड़ों का नज़ारा अलग ही था। ऊँचे ऊँचे पहाड़ और खाई, नदी, झरने, मज़ा ही आ रहा था। वैसे तो मैं पहाड़ों में घूम चुका हूँ, नैनीताल, रामनगर वगैरह घूम चुका हूँ पास पास के पहाड़ों में, लेकिन जहाँ पर बर्फ़ होती है वहाँ का नज़ारा अलग ही होता है। और मनाली का नाम सुनकर तो अलग ही फीलिंग आती है। मनाली का नाम ना लो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मनाली जो कि एक खूबसूरत बेली है, सोलांग बेली और अटल टनल। दोपहर के 12 बजे हम कुल्लू पहुंच गए। कुल्लू हिमाचल प्रदेश का एक जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट है और मनाली उसका ही एक शहर है। ऐसे तो कुल्लू मनाली नाम साथ में ही लिया जाता है, लेकिन मनाली में अटल टनल सोलांग वैली होने के कारण वो बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है और वहाँ पर बर्फ़ भी कुछ ज़्यादा ही पड़ती है। वैसे कुल्लू से मनाली की दूरी 40 किलोमीटर है। मनाली पहुंचने के बाद सोलांग वैली की दूरी 15 किलोमीटर जाती है और मनाली से अटल टनल की दूरी 26 किलोमीटर है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आने वाली वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन देंगे किस तरह से हमने रूम लिया,
किस तरह से हम मनाली से अटल टनल पहुँचे, हमने क्या बुक किया, मोटरसाइकिल से गए या फिर हमने कार बुक की, वो सब बताएंगे। तो गाइस मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। तो मिलते हैं जल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।